Dear children, it is the class 9, subject maths. There is a maths book of NCERT. Of the class 10, it is the class 10, subject maths. There is a maths book of class 10. So, nowadays, we are reading exercise 5.2. हम लोग exercise 5.2 पढ़ रहे हैं. तो इसमें हमने question number आपका लिया 70. Find the 20 terms from the last. टर्म आपका ये जरा ये एपी दिया गया है, इसका 20th टर्म चाहिए आपको. कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट टर्म. लास्ट से आपको कौन सा टर्म चाहिए? 20वां टर्म चाहिए, 20th टर्म. क्लियर? तो इसके लिए फार्मूला लर्न करो डियर स्टूडेंट, फॉर द टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. लर्न द फार्मूला. एनथ टर्म फ्रॉम द लास्ट. Nth term from the last. From the last से nth term of an AP is given by. formula क्या होता है dear student? An equal last term को L कहा जाएगा, तो An equal L minus n minus 1 into 2. तो दैट द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. एक फॉर्मूला और आप जानते हो डियर स्टूडेंट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट स्टार्टिंग n minus 1. ये एरर टर्म क्या है? फ्रॉम स्टार्टिंग. और ये एरर टर्म क्या है? फ्रॉम लास्ट. फ्रॉम लास्ट में स्टार्टिंग में ये फर्स्ट टर्म होता है, तो ए से ए. तो इसका मतलब क्यों हुआ? हम आगे बढ़ेंगे स्टार्टिंग से 20वां. इसका मतलब हम इधर से इधर जाएंगे और लास्ट से आप 20वां आते हो, तो लास्ट से आप बैक हो गए, इसीलिए यहाँ पे माइनस आएंगे. फॉर द रिमेम्बरिंग क्लियर. तो दीज आर टू फार्मूलाज. वन इज एन टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड अदर इज एन टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट लगा दो, आप यूज कर दो वैल्यू रखा. तो हियर एपी, हियर फ्रॉम एपी, जो आपका एपी दिया गया है ये वाला. फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है? थ्री. तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? ए. ए इक्वल थ्री एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल, आपने पढ़ा है क्या? ए टू माइनस ए. पीछे आपके जो भी पीरियड हुए उनमें ये सब बताया गया आपको. दैट इक्वल ए टू का मतलब दूसरा टर्म, ए वन का मतलब पहला. तो दूसरा एट है, तो ये क्या आ जाएगा? एट माइनस थ्री इक्वल फाइव. फाइव आ गया. अब आपको चाहिए क्या? एंड लास्ट टर्म क्या है? ये स्टूडेंट टर्म, व्हाट इज द लास्ट? तो लास्ट टर्म इज 253, दैट द लास्ट. एंड ये इक्वल 253. क्लियर? एंड आपको कौन सा टर्म चाहिए? 20th, ये वाला चाहिए. तो इसका मतलब ये की वैल्यू क्या होगी? 20. ठीक है? एंड यह इक्वल 20. क्लियर? देयरफॉर ए 20 माने 20वां टर्म, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट. पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. तो यल की जगह आप लिखेंगे कितना? 253 माइनस ब्रेक इट एन, एन का मतलब 20, माइनस 1 इंटू डी. डी आपने फाइंड किया कितना है? 5. सो वी वांट 253 माइनस 20 से भाग गया 19 और इन 5. सो दैट विल कम 253 माइनस 95 लग यानी वन ऑफ यू 19 पर 95 भाई 5 5 4 95. ठीक है? अब जरा इसे माइनस करना है, पेड़ इंची
यहाँ 13 होगा, 13 से 5 गया 8, और यहाँ रह गया 4, 4 का 14 हुआ, 14 से 9 गया 5, और यहाँ पे आपका रह गया 115. That the sufficient answer, that the required answer, कि 28th term from the last is 158. तो वेरफर वी नो द फार्मूला एंड आल्सो वी नो द टर्म्स व्हिच यूज्ड इन फार्मूला देन द प्रोसेस इज सिंपल. अगर इतना हम जानते हैं कौन फार्मूला लगेगा, फार्मूला में जो सिंबल यूज हो रहे हैं उनका क्या अर्थ है, फिर बस वैल्यू निकाल के पुट करना है स्टूडेंट के अंदर. क्लियर? सिमिलरली यू मे गो फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 18. तो फॉर 18 डियर स्टूडेंट पे अटेंशन. 18 वाला प्रश्न क्या है मैं पढ़ देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखे हुए, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म. मैं हिंट देता हूं आपको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सम ऑफ फोर्थ का मतलब ए फोर, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, एट्थ का मतलब ए एट, और सम का मतलब प्लस. दैट को कितना दिया गया है, इज इक्वल 24. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट यहां से हम वो बना लेंगे एक इक्वेशन. कैसे बनेगा जस्ट टू सी. एनी वन ऑफ यू ए फोर तीसरा चौथा टर्म जनरल एंट्री आपको आती होगी. जनरल एंट्री क्या होती है, देखो ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी, ये चौथा टर्म है. ए फोर ए वन ए टू ए थ्री, ए फोर यहाँ फोर की जगह थ्री है, एक कम रहता है, तो ए फोर का मतलब क्या होगा, क्या ए प्लस थ्री. ऐसे ही डियर स्टूडेंट ए एट में एक कम होगा, ए प्लस सेवन डी होगा, क्या होगा, दैट इक्वल 24. सो ऑन सेवन में ए एंड ए कितना हो जाएगा 2 8, और जरा थ्री डी और 17 10 डी इज इक्वल 24. चाहो तो डियर स्टूडेंट टू से डिवाइड कर लो, 2 5 और 2 12, तो ये हो जाएगा ए प्लस 5 डी इक्वल 12. तो दैट है इक्वेशन नंबर. ऐसे ही आपकी प्रश्न में दूसरी कंडीशन होगी, उसके अनुसार में आपका एक इक्वेशन बन जाएगा. तो दो इक्वेशन जब बन जाएंगे दोनों का आप सॉल्व कर लेंगे और ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे. इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, थ्री टर्म यहाँ पे रख लेंगे केवल, फिर आप इतना आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन आल्सो यू मेक एन इक्वेशन. जब दो इक्वेशन आ जाएंगे दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे और ए और डी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ए भी फाइंड कर सकते हैं और डी भी. तो आफ्टर दैट तो इसे ट्राई करना, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 एट होम एंड आल्सो नोट डाउन द होमवर्क. ये स्टूडेंट अब इस एक्सरसाइज केवल आपके दो प्रश्न और रहेंगे 19 और 20, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो मुझे लगता है एसडब्ल्यू में आपका क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट करना है एंड साफ क्वेश्चन नंबर 19 एसडब्ल्यू कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 18 18 को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आल्सो और विद द हेल्प ऑफ माय एडवाइस माय एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20. इन दिस वे एक्सरसाइज
5.2 is completed. If this exercise का सवाल है मेरे exercise 5. So dear student, it is very essential to have the book. Everybody have the सबके पास book होना चाहिए. So in this way, thanks.